देखिए, सभी को मैं ईद उल अज़हा के मौके पर सबको हार्दिक शुभकामना देता हूँ, मुबारकबाद देता हूँ। सब लोग बढ़िया से ये पर्व मनाएं, चूँकि 3 दिन मनाया जाता है और 29-30 पहली तक मनाया जाएगा, तो इसमें दोनों समुदाय आपस में मिलकर के बढ़िया सा संदेश दें और किसी वर्ग को भी कोई जो है परेशानी ना हो, और जो भी ओज वगैरह हैं उसको सही से नगर पालिका को सूचित करें अगर नहीं उठाते हैं तो। और मैं सभी लोगों से ये अपील करूँगा कि सब लोग 2 दिन जो और शेष बचे हैं उसमें बढ़िया सा आपस में मिलकर बनाएं, और सभी हमारा जो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई का जो यहाँ पर एक सामंजस्य बना है वो बिल्कुल ऐसे ही बना रहेगा, मुझे पूरा आशा विश्वास है, बढ़िया सा हमारा सिस्टम रहता है यहाँ पर। और सभी से मैं एक और अपील करूँगा कि जो भी आपसी संबंध बिल्कुल बढ़िया से बनाए रखें और एकजुटता का अपना परिचय दें, यही मेरी सबसे अपील है, गुजारिश है। और एक बार फिर पुनः सबको मुबारकबाद देता हूँ, हार्दिक बधाई देता हूँ, सब लोग बढ़िया से मनाएं। और जो हमसे संबंधित है, नगर पालिका से संबंधित है या विधायक से संबंधित कोई भी काम है जो हमसे संबंधित है, वो आप हमें बता सकते हैं, रोडों के, खरंजों के, आपसी कोई और समस्याएं हैं उसको पूर्ण रूप से बताएं, जिससे कि हम उसका पूर्ण समाधान करने का पूरा प्रयास करेंगे। इसलिए बस मैं सभी को बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, बधाई देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, खुदा हाफिज़।